नमस्ते, मैं हूं आपका साथी ओवेश और मैं आपके लिए लाया हूं जिले का कोरोना बुलेटिन। आज बड़वानी जिले के लिए एक सुखद खबर है कि जिले में सिर्फ दो लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जांच हेतु भेजे गए सैंपलों में से 1134 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 1132 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, मात्र दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। तो जिले के लिए एक सुखद खबर है कि जिले का जो संक्रमण दर है वह भी घटता नजर आ रहा है। जिले में आज की जो संक्रमण दर है वह 0.18% रहा। इसके साथ जिले के लिए सुखद खबर है कि जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जिले के सभी कोविड केयर सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या घट रही है और जो उपचारित मरीज है उनकी संख्या घट रही है। जो अभी पॉजिटिव लोग हैं जिनका उपचार चल रहा है, इसमें अधिकांश लोग होम आइसोलेट होकर अपना उपचार करा रहे हैं, इसलिए जिले प्रशासन ने जिले के सभी कोविड केयर सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया है। ये कोविड सेंटर अस्थायी तौर पर बंद किए जा रहे हैं और इसी के साथ जो कोविड पॉजिटिव मरीज आएंगे उनका उपचार जिले के दो स्थानों पर बड़वानी जिला अस्पताल और सेतवा सिविल अस्पताल में किया जाएगा। तो जिले के लिए सुखद खबर है कि घटते कोरोना संक्रमण के चलते जिले के सभी कोविड सेंटरों को अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव मरीजों की। तो जिले में दो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से एक बड़वानी जिला मुख्यालय बड़वानी पाया गया है, वहीं एक मरीज सेंधवा में पाया गया है। जिला मुख्यालय के बड़वानी की बात करें तो ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है, वहीं सेंधवा के ग्रामीण क्षेत्र में डावर फलिया बाबदड़ में एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है। तो जिले के लिए एक सुखद खबर है कि जिले में सिर्फ दो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिले के जो बड़े स्थान हैं खेतिया, पानसमल, राजपुर, अंजड़, सिलावत, निवाली, ठिकरी, यहाँ कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। इसी के साथ सेंधवा प्रॉपर में भी कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। अब हम बात करते हैं स्वस्थ हुए मरीजों की। तो कल 5 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे, वहीं जिले में अभी भी विभिन्न स्थानों पर 89 लोगों का उपचार जारी है। इस 89 लोगों में से अधिकांश लोग होम आइसोलेट होकर अपना उपचार घर पर ही करा रहे हैं। वहीं अभी 159 लोगों की रिपोर्ट आना शेष है, जबकि सरकारी आंकड़े के अनुसार अभी तक कोरोना से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लोकतंत्र न्यूज़ आपसे अपील करता है, अपने घरों में रहें, तय की गाइडलाइन का पालन करें, अति आवश्यक होने पर ही घरों के बाहर निकलें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और